हेलो गाइस, आज का वीडियो भी होने वाला है फेस्टिव डेकोर डीआईवाई पर। तो अगर आप सबको भी पसंद है डीआईवाई बनाना तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मैं इस चैनल पर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्राफ्ट बनाती हूँ। तो गाइस, इफ़ यू लाइक माय क्राफ्ट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेलकम बैक टू सेटी एच क्रिएटिव। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डीआईवाई। तो इस डीआईवाई को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी कार्डबोर्ड का और इससे हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा फेस्टिव डेकोर। तो मैंने कार्डबोर्ड को कुछ इस तरह से राउंड कट कर लिया है। मैंने यहाँ दो साइज़ में कार्डबोर्ड को राउंड शेप में कट किया है। फिर मैं इन दोनों कार्डबोर्ड को कुछ इस तरह से फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी और उसके बाद इसकी एजेस को मास्किंग टेप से कवर कर दूँगी। अगर आपके पास मास्किंग टेप नहीं है तो आप इसको पेपर से भी कवर कर सकते हैं और चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे हमारे को एक नीट फिनिश मिल जाएगी और ये बाद में बनने के बाद अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप लोग MDF बोर्ड का यूज़ करेंगे तो ये सारा तामझाम नहीं करना पड़ेगा और काम काफ़ी इजी हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग वेस्ट मटेरियल से सब कुछ बना रहे हैं तो हमें थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैंने इसके ऊपर मिक्स मीडिया पेस्ट लगाया है, मैंने उसकी डिटेल स्क्रीन पर दे दी है, आप वहाँ देख सकते हैं। और मिक्स मीडिया पेस्ट लगा के मैं थोड़ा सा इसके ऊपर टेक्सचर दूंगी। मैंने टेक्सचर देने के लिए फिंगर टिप का यूज़ किया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं कैसे इसके ऊपर टेक्सचर दे रही हूँ। मैंने इसको राउंड शेप पे बनाया है, आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। तो हमारा टेक्सचर पेस्ट का काम कम्प्लीट हो गया है। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूंगी और बट ड्राई होने से पहले मैंने इसके ऊपर थोड़े से मिरर ऐड कर दिए हैं ताकि वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। फेस्टिव डेकोर बनाएं और उस पर शाइन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से मिरर ऐड कर दिए हैं। तो देखिए, बातों बातों में हमारे मिरर्स भी ऐड हो गए हैं और मिरर लगाने से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसकी एजेस पर ये पर्ल स्टिकर्स ऐड कर दूंगी और इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करेंगे। इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके आप इसको और भी सुंदर बना सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। अभी हमारा बेस अच्छे से ड्राई हो गया है, अब हम इसके ऊपर क्ले वर्क करेंगे। क्ले वर्क करने के लिए मैंने यहाँ पे माउल्डेड क्ले का यूज़ किया है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स को मिक्स करके एक डो तैयार कर लिया है और उससे एक रोप तैयार कर ली है। रोप तैयार करने के बाद मैंने यहाँ पर लक्ष्मी जी के पैर ड्रॉ कर लिए थे इसके ऊपर और अब मैं इस क्ले रोप को, जो मैंने रोप बनाया है, इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से चिपका लूँगी फेविकॉल की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सिंपल तरीके से पैरों को ड्रॉ किया है ताकि इसे कोई भी बना सके। तो आप देख सकते हैं मैंने जो रोप बनाया है क्ले का, उसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैं लक्ष्मी जी के पैरों की फिंगर क्ले से ही बना लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इनकी फिंगर्स को शेप दे रही हूँ। आप यहाँ पे लक्ष्मी जी के पैर बनाने के लिए कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे इस शेप में कट करके कार्डबोर्ड को यहाँ पे चिपका सकते हैं, उससे भी ये अच्छे से बन जाएगा। क्ले वर्क कम्प्लीट होने के बाद अब मैं इसके ऊपर कलर कर लूँगी। पहले हम इसके ऊपर बेस कोट अप्लाई करेंगे। बेस कोट मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया है क्योंकि मुझे इसको थोड़ा गोल्डन टच देना है मेटालिक कलर्स करने के लिए। तो बेस में अगर हम ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे तो उससे हमारा जो मेटालिक कलर्स हैं वो उभर के आएंगे। तो बेस कोट मैंने कर लिया है बट कलर अप्लाई करने के बाद मुझे लगा कि मुझे मिरर्स बाद में ऐड करने चाहिए थे। कलर करने के बाद मैंने पहले ही ऐड करके गलती कर दी है, इसलिए आप ये गलती मत करिएगा। आप जो भी मिरर वगैरह का वर्क करें वो आप बाद में ही करें, पहले नहीं करें, नहीं तो उसे हमें क्लीन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैंने मिरर्स को क्लीन कर लिया है कलर के सूखने से पहले ही। फिर अब मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर ड्राई ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी और थोड़ा सा मैंने गोल्ड अप्लाई किया है, ब्रॉन्ज अप्लाई किया है इसके ऊपर और उसकी शेडिंग दी है। मैंने यहाँ पे जो जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं।
अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉन्ज कलर का भी यूज़ करूँगी और उससे भी थोड़ा सा शेडिंग दूंगी। ब्रॉन्ज कलर जो है गोल्ड कलर के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेटालिक कलर का भी यूज़ किया है। अब मैं माँ लक्ष्मी के पैरों को रेड कलर से कलर कर दूंगी। रेड और गोल्ड का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है और काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने जो इनके पैर हैं वो रेड कलर से कलर किए हैं। पैरों को कलर करने के बाद मैंने थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए इसके बॉर्डर पर ब्राइट ग्रीन कलर का यूज़ किया है और उससे कलर किया है। अब मैं यहाँ पे थोड़े और मिरर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए, और मिरर ऐड करने के बाद ये और भी अच्छा लगने लग गया है और ब्राइट दिखने लग गया है। तो बस बनके तैयार है ये सुंदर सा DIY क्राफ्ट। तो आप इसे कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर की एंट्रेंस पर रंगोली के साथ सजा सकते हैं या फिर अपने पूजा घर में सजा सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये क्राफ्ट आइडिया? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर भी ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप भी ये ट्राई करेंगे या नहीं। अगर आप इसे बनाएंगे तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड DIY। इसके लिए मैंने लिया है ये वेस्ट थर्माकोल। ये थर्माकोल मैंने कुछ क्रॉकरी मंगाई थी उसमें उसकी पैकिंग में से निकला था, तो मैंने जब इसे देखा तो तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसका क्या बनाऊंगी। तो मैं आज इसका टी लाइट कैंडल होल्डर बनाने वाली हूँ। तो मैंने ये दोनों जो टुकड़े थे इन थर्माकोल्स के, उनको फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर लिया है और इसमें एक स्पेस बना लिया है कैंडल रखने के लिए। और उसके बाद मैंने ये कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए हैं और उसको इनके साइज़ में कट कर लिया है। और अब मैं जो ये कार्डबोर्ड के टुकड़े मैंने कट किए थे इसको इसके चारों तरफ फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी। तो मैं यहाँ कार्डबोर्ड की एक लेयर ही दूंगी, क्योंकि ये अंदर थर्माकोल है इसलिए मैंने कार्डबोर्ड की एक लेयर ही दी है, जो कि काफ़ी है इसको होल्ड करने के लिए। तो मैंने कार्डबोर्ड से और भी फेस्टिव DIY बनाए हैं, उसमें से मेरा जो फेवरेट है ना वो झरोखा DIY है। तो अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब मैं जो कैंडल होल्डर के लिए स्पेस बनाया था वहाँ एक प्लास्टिक बॉटल का ढक्कन फिक्स कर दूंगी। ये मैंने इसलिए किया है ताकि थोड़ा भी अगर सरफेस इसका अनइवन है तो वो इवन हो जाए। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं जब भी कोई DIY बनाती हूँ ना तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो बनाने के बाद DIY एकदम परफेक्ट दिखे, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना प्रेफर करती हूँ। अब मैं इसके चारों तरफ टेक्सचर पेस्ट लगा लूँगी या फिर एक्रिलिक वॉल पुट्टी भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उन दोनों में से कुछ भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसके ऊपर टेक्सचर देने के लिए मैंने ये कॉम का यूज़ किया है और कॉम से कुछ इस तरह से टेक्सचर दूँगी और फिर इसे ड्राई होने के लिए कम से कम 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी। अब ये ड्राई हो गया है और ड्राई होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसके ऊपर काफ़ी अच्छा टेक्सचर आया है। तो थोड़ा सा और इसको एनहेंस करने के लिए डिज़ाइन दूंगी और इसके ऊपर मैं ये पर्ल स्टिकर ऐड करूंगी। तो जो ये हमने कैंडल के लिए स्पेस बनाया था राउंड शेप में, इसके आसपास सर्कल में, पूरे सर्कल में मैं ये स्टिकर्स चिपका दूँगी। मैंने इसके जैसा एक और तैयार करके रख लिया था। तो मैंने ये दो बनाए हैं, दो का सेट बनाया है। तो इसमें से एक थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा एक छोटा है। तो हम जब इसको डेकोरेट करेंगे ना तो ये दोनों का सेट काफ़ी अच्छा लगेगा एक साथ डेकोरेट करने के बाद। तो अब मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई कर लूँगी। मैंने ये एक्रेलिक कलर अप्लाई किया है इसके ऊपर, और जब कलर अच्छे से सूख जाएगा तभी हम इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो ये अभी अच्छे से ड्राई हो गया है, तो अब ड्राई होने के बाद ही हम इसके ऊपर ये गोल्ड लीफ चिपकाएंगे। अगर कलर ड्राई नहीं हुआ होगा तो ये गोल्ड लीफ इसके ऊपर अच्छे से चिपकेगी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ड्राई कलर ड्राई होने के बाद ही हम ये स्टेप करेंगे।
तो मैंने ये गोल्डन कलर की ली है। आप चाहें तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें सिल्वर, ब्रॉन्ज और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं, तो आप किसी भी कलर से इसको बना सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा फेविकॉल अप्लाई कर लिया है और गोल्ड लीफ को टुकड़े करके इसके ऊपर चिपका दिया है कहीं कहीं पर। तो मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देने की कोशिश कर रही हूँ, तो देखते हैं ये बनने के बाद कैसा लगता है। तो ये मैंने दोनों के ऊपर गोल्ड लीफ लगा दी है और ये दोनों तैयार हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मुझे नहीं पता था इसको ऐसे बनाने के बाद ये काफ़ी अच्छे लगेंगे और मुझे तो लग ही नहीं रहा ये मैंने घर पे बनाए हैं। तो अगर आप गोल्ड लीफ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर गोल्डन मेटालिक कलर भी ड्राई ब्रश की हेल्प से कहीं कहीं शेडिंग दे के बना सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर लेके जहाँ कैंडल रखने के लिए मैंने स्पेस बनाया है वहाँ पे मैंने इसको पूरा गोल्डन कर दूँगी, तो थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाएगा और अच्छा लगेगा। और जो हमने पर्ल वाले स्टिकर्स लगाए थे, बीट स्टिकर लगाए थे, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन कलर लगा दिया है। तो ये अब हमारा DIY बन के रेडी है और ये रहा इसका फाइनल लुक। अगर आप इसे ट्राई करते हो और बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप इसे किस तरह से डेकोरेट करोगे, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो अगर आपको आज का ये DIY पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मिलती हूँ आपके साथ अपने नेक्स्ट DIY के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।